Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQ's program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is Under which section of the Code of Criminal Procedure is the provision for anticipatory bail defined? Section 437, Section 438, Section 439, or Section 440? दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है धारा चार धारा सैतीस धारा चार या फिर धारा चार सौ सेक्शन 438। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा चार सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स फॉर एंटीसिपेटरी बेल

आर्टिकल थर्टीन आर्टिकल फोर्टीन और आर्टिकल सिक्सटीन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 16। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 14। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। आर्टिकल ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ संविधान का अनुच्छेद चौदाह भारत के राज्य क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा कोई भेदभाव ना किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेवन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति आती है धारा चार सौ एक धारा चार सौ बयालीस धारा तीन सौ चौवालीस या फिर धारा चार सौ सत्ताइस The correct answer is option B, section 442. Issa sahi jawab option B, dhara 442. Recently, in the Ramesh and another versus State of Karnataka case, the Supreme Court observed that appellate courts must provide strong reasons when reversing a trial court's acquittal. Section 442 of the BNSS deals with the revisional powers of the High Court, allowing it to revise proceedings and records. हाल ही में रमेश एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि अपीलीय न्यायालयों को किसी ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटते समय ठोस कारण प्रस्तुत करने चाहिए। बीएनएसएस की धारा 442 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों से संबंधित है जो उसे कार्यवाही और अभिलेखों को संशोधित करने की अनुमति देती है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वन

Recently, in the Sajid versus State of Kerala case, the Kerala High Court directed the authorities to consider the legislative vacuum for application of Section 250, Subsection 1 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sahita 2023 in cases where committal is not possible. Section 250, Subsection 1 of the BNSS provides a time limit of 60 days for the accused 232। हाल ही में में साजिद बनाम केरल केरल राज्य मामले उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 251 एक के आवेदन के लिए विधायी शून्यता पर विचार करें जहां प्रतिबद्धता संभव नहीं है बीएनएसएस की धारा दो सौ के अनुसार अभियुक्त को आरोप से मुक्त होने के लिए मामला धारा दो के तहत प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर आवेदन दायर करना होता है फॉलोइंग पर्सन इज नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी ट्रस्टी ऑथर ऑफ ट्रस्ट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्ट के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आवश्यक नहीं है लाभार्थी ट्रस्टी ट्रस्ट के लेखक या फिर कानूनी प्रतिनिधि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कानूनी प्रतिनिधि इन द क्रिएशन ऑफ अ ट्रस्ट थ्री एसेंशियल पार्टीज आर रिक्वायर्ड द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट दैट इज द पर्सन हु क्रिएट्स द ट्रस्ट द ट्रस्टी दैट इज द पर्सन हु मैनेजेस द ट्रस्ट एंड द बेनिफिशियरी द पर्सन हु बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रस्ट

वह व्यक्ति जो ट्रस्ट से लाभ प्राप्त करता है किसी ट्रस्ट के निर्माण के लिए कानूनी प्रतिनिधि आवश्यक पक्ष नहीं है क्योंकि वे आमतौर पर ट्रस्ट की स्थापना के बजाय संपदा या उत्तराधिकार जैसे कानूनी मामलों में भूमिका निभाते हैं नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजेक्शन Rectification and all of the above. कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न विशिष्ट राहत अधिनियम में इक्विटी के सिद्धांतों की वैधानिक मान्यता के संबंध में है विशेष प्रदर्शन निषेधाज्ञा सुधार और निरसन या फिर उपरुक्त सभी सेंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग इसका उत्तर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा धन्यवाद